चंद्रशेखर सर, बहुत बहुत दुखद घटना है, हम इस पे कोई शब्द बोल नहीं सकते। मैं खुद भी एक लड़की हूँ, पर आपसे छोटा सा एक सवाल है सर। इतने दिन वो आईसीयू में, इतने दिन अपने लाइफ के लिए बैटल कर रही थी, तभी कोई नहीं पॉलिटिशियन आया, और आज कोविड का भी सिचुएशन इतना खराब भी चल रहा है, हो सकता है मैं हूँ, हो सकता है आपको कुछ हो, इतना हॉस्पिटल के अंदर भीड़ लगा है, डॉक्टर्स हाथ जोड़ रहे हैं कि बाहर प्रोटेस्ट करिए। आप लोग को सरकार पे गुस्सा है, बिल्कुल समझ आता है, पुलिस पे गुस्सा है, समझ आता है, हमारे पेशेंट्स को आप लोग क्यों, उनका क्यों, आप उनको क्यों, आप सिचुएशन को खराब कर, आप इस पे मुझे बताइए। किसके पेशेंट? आपके पेशेंट? मेरे नहीं पेशेंट है सर, डॉक्टर वहाँ पे मुझे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि खड़े हैं, ये पार्किंग है, एक मिनट दिखाइए। नहीं नहीं पार्किंग है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल दिखाएंगे सर, पार्किंग चंद्रशेखर जी, पार्किंग है, अभी आपने खुद भी देखा, नहीं एक सेकंड, अभी आपने खुद भी देखा वहाँ बैरिकेड सब तोड़ के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के बाहर आ गए। मैं आपका गुस्सा समझ, कुछ बोले, 800 मीटर दूर है, बोले 14 दिन से कहाँ थी आप? 14 दिन से आप भी सर, मैं कहाँ थी वो आप, एक मिनट सुनिए, आप भी कहाँ, आपने कहा सब लोग, हमने ही कराई है, आप ये बताइए 14 दिन से कहाँ थे, आज तक के लोग कहाँ थे? मैं बिहार से लौटते ही परसों वहाँ गया था जी। मुझे नहीं जाने दिया गया, प्रशासन के लोगों ने रोका, भीम आर्मी के लोगों ने वहाँ FIR करवाई, पीड़ित परिवार यहाँ बैठा, पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर पीड़ित परिवार को FIR के लिए भी किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी तो कौन सी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जी। मुख्यमंत्री किस लिए बैठा है, पुलिस के लोग किस लिए बैठा, किस लिए तनख्वाह ले रहे हैं? मैं जो आपसे कह रहा हूँ सुनिए, अगर आप, मुझे गुस्सा पुलिस पे भी नहीं है, मुझे डॉक्टर्स पे भी नहीं है, वो है इस लायक और वो कर वो रहे हैं जो सरकार चाह रही है, क्योंकि वो उनके एम्प्लॉई हैं। आप जिनके एम्प्लॉई हैं आप भी वही कर रहे हैं जो आपसे कहलवा रहे हैं। मेरी एक छोटी सी बात है सर, वहाँ बस एक दलितों को बोलने नहीं देंगी तो मुझे, मैं आपके चैनल का बहिष्कार करूंगा। सर ऐसे दलित को नहीं बोलने दे रहे आप, ऐसी बातें पहले आप सुनिए। मैं सुबह से यहाँ हूँ, मैं परसों भी गया था वहाँ, मैं पहले गया। ऑलराइट, वी विल जस्ट ट्राई एंड गेट दैट कम्युनिकेशन बैक ऑन विद चंद्रशेखर आजाद। Rawan, now what they are saying is that this reflects, this is, there is this clearly a caste angle, and we go back to that. अभी मार रही है लाठी, मार रही है लाठी, खूब लाठियां मार रही है। जिनको कहीं ना कहीं जिनको मारा गया ना, जिनको मारा गया वो हमारे संगठन नहीं है, किसी दूसरी पार्टी के नेता है, यही आम आदमी पार्टी के नेता, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनको पिटा गया। हालात ये है कि अगर हम न्याय की आवाज के लिए यहाँ खड़े, हमें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? आपने मास्क पहना, मैंने नहीं पहना, क्योंकि मेरी बहन की हत्या हुई है, 14 दिन तक वो अस्पताल में लड़ी, जिला अस्पताल में जहाँ सुविधाएं नहीं है वहां वो जिंदा रही। हमने एम्स की मांग की थी, सफदरजंग क्यों लाया गया, सफदरजंग में जब लाया गया तो पीड़ित परिवार के लोगों को क्यों निकाला गया हॉस्पिटल से, उनसे को क्यों नहीं मिलने, क्यों कहा गया कि उसकी जान चली गई है? रात उसकी हत्या हुई है, लगता है कि कहीं ना कहीं हत्या हुई है, राजनीतिक हत्या हुई है, इसलिए हत्या की गई है कि कल वो चीख चीख के न्याय की मांग करेगी। वो वाल्मीकि समाज की श्रेणी थी, अगर वो भारत की बेटी होती तो आज तमाम सारे लोग जो है उसके लिए न्याय की अपील कर रहे होते, कैंडल मार्च हो रहे होते, महिला आयोग आता, जो 5 साल हमें हिंदू एकता की बात करते हैं वो संगठन आते, प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं। लग रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से थी, आज कोई बोल नहीं रहा है, लग नहीं रहा ऐसा है, है, है। इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मैं रात, कल बिहार था हमारी इलेक्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं वहां से आया, मुझे पता था मेरी बहन की हत्या कर दी जाएगी, मैं लेट पहुंचा, मैं माफी मांगता हूँ खुद से, मैं दुखी हूँ कि मैं लेट पहुंचा, वरना इनकी औकात थी उसकी हत्या करते थे। रात उसकी हत्या की गई, हमारे लोग कह रहे थे कि हम अंदर रहना चाहते हैं। हत्या की गई है मतलब समझ नहीं पा रही, डॉक्टर्स बोल रही है कि उन्होंने वर्ल्ड क्लास लोगों ने, देखिए कल यहाँ पुलिस आई थी पीड़िता को लेकर, मेडिकल समरी नहीं लाई, डॉक्टर्स को नहीं बताया, कल 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 एडमिट नहीं, बोलिए बोलिए आप क्या बोल रहे हैं, हमारी जो डॉक्टर से बात हुई है, डॉक्टर क्लियरली हमको कह रहे हैं, परसों रात से मांग कर रहे थे कि एम्स लेके आ जाए, कल वो एम्स की जगह सफदरजंग लाए, सफदरजंग लाए, मेडिकल समरी नहीं लाए, डॉक्टर्स ने हमसे, हमारी बात हुई डॉक्टर से, कह रहे कि हम पे कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, पीड़ित परिवार के लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा सब बाहर निकल जाओ। अब मैं बदतमीजी की मैं जानना चाहता हूँ, जहाँ इतना क्रूशल मामला था पुलिस लेके आई थी, पुलिस सुरक्षा छोड़ के क्यों गई, किसके भरोसे छोड़ के गई? रात उसकी हत्या हुई है, एक सेकंड का काम है उसका, वो वेंटिलेटर पे थी, उसका वेंटिलेटर हटाना था, ये सरकार ने हत्या करवाई है। चंद्रशेखर सर ये काफी, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। चंद्रशेखर सर ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, क्योंकि मेरी अभी डॉक्टर्स जो टीम थी वो खुद भी रो रहे हैं कि हम लोगों ने पूरी कोशिश की, आखिरी दम तक बचाने, बिल्कुल झूठ, झूठे लोग हैं। अगर वो था तो हमने यहाँ मांग किसके लिए बैठे, सुबह से हम यहाँ बैठे हैं कि ये डॉक्टर्स पे बहुत बड़ा एलिगेशन, अरे एलिगेशन नहीं सच है, इसकी जांच होगी पता लग जाएगा। पोस्टमार्टम जो है हो रहा है, हमने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए एक बोर्ड बना दीजिए जिसमें दलित समाज के डॉक्टर्स हो, हमें ये संतुष्टि हो।
दलित और ऊंचा जाति देखकर नहीं पीड़िता, जब एक पीड़िता दलित हो सकती है, जब दलित डॉक्टर ऐसा देख के सकता है, जब कोरोना वॉरियर्स के साथ 7 लोग मरे थे यहाँ, 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की सरकारी नौकरी की बात की, 1 वाल्मीकि कर्मचारी को नहीं मिला, आप मुझे मत सिखाइए। मैं जानता हूँ कि जातिवाद कितनी चरम सीमा, जातिवाद ना होता तो मुख्यमंत्री जाते उनके घर, अपना पैनल भेजते, प्रतिनिधिमंडल भेजते, उनकी मदद करते। मैं सब जानता हूँ बहन, मैं आपसे हाथ जोड़े कहता हूँ आप जिम्मेदारी अदा करें। 14 दिन से आपने आवाज उठाई होती कि सरकार की औकात नहीं थी कि उसका ट्रीटमेंट जो है हर सेंटर में ना होता। यस, आप लोग चुप रहे, लग रहा है कि कहीं ना कहीं छज्जा टूटा। मुझे एक बात बताइए।